अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने बरौली द्वारिका पंचायत में चल रही श्रीमद् भागवत पुराण कथा के समापन के बाद सनातन धर्म के लिए दिया संदेश। संवाददाता सचिन राज भट्ट से सनातन धर्म को लेकर की चर्चा। हमारे साथ आज अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी हैं। आइए पूछते हैं इनसे किस तरह ये कथा का आयोजन रहा और सनातन धर्म के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं महाराज जी। हमारा आग्रह है सभी से, सभी भारतीयों से निवेदन है, अपनी संस्कृति को पहचानें, अपनी सभ्यता को पहचानें, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए हम सबको अपने अधिकार, जो संविधान हमें अधिकार देता है उसके अनुसार हमें अपने अधिकार की बात करनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि युवा भी इस बात को समझे और सभी सनातनी भी इस बात को समझे। जब तक पौराणिक ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा, जब तक हमारे ऋषियों का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में नैतिकता नहीं आएगी। और उस नैतिकता की महत्व कितना है इस बात को समझो कि धन एक तरफ अरबों खरबों रुपए और एक तरफ एक नैतिक मानवता जो इंसान है वो अलग है, कभी भी वो नैतिकता की बराबरी नहीं कर सकता। और वो नैतिक ज्ञान जो देते हैं हमारे पुराण देते हैं, इसलिए हम सबको अपने पुराणों का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद जी महाराज जी, धन्यवाद।